हेलो फ्रेंड, फ्लेम एंड म्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां आज जानेंगे मां श्यावडाओ का राज। आखिर में श्यावडाओ योहाओ के कान पे क्या बोला जो वो डर के मारे भागने लगा। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नोट, ये वीडियो नॉवेल पे बेस्ट है, सो भाइयों संभाल लेना, आप पे पूरा भरोसा है। एपिसोड शुरू होता है योहाओ और वांग से, जहाँ योहाओ का क्लास लिया जा रहा है वांग के द्वारा, जहाँ वांग पहले उसे गुस्सा होता है पूरा दिन गायब होने के कारण, एंड देन उसे पूछता है मां श्यावडाओ कुछ गलत किया तो नहीं। तो सुन के योहाओ रिएक्ट करता है, अरे वो बात मैं भूलना चाहता हूँ, बट वांग के पूछने पर मुझे फिर से याद आ रहा है और मेरा आई पावर के चलते मैं मरने के बाद भी ये भूल नहीं पाऊंगा। एंड इतने सारे बात सोचने के बाद वो वांग को कहता है, मैं तो सिर्फ उसकी डेमोनिक फ्लेम कंट्रोल करने में मदद किया, एंड उसके बाद हमने स्नैक्स लिया और इससे ज्यादा कुछ नहीं वांग। वो सुन के वांग उस पे चढ़ जाता है और कहता है, तुम सिस्टर श्यावडाओ से इतना क्लोज कैसे, और तुम्हारा कपड़े से इतना अलग फ्रेग्रेंस क्यों आ रहा है जो मुझे गुस्सा दिला रही है। जो सुन के योहाओ कहता है, अरे ये तो ट्रेनिंग के कारण मुझे बहुत पसीना आया था, जिसके कारण मैंने मां श्यावडाओ का फैसिलिटीज यूज किया कपड़े वॉश करने के लिए। ओ शिट, ना जाने क्या हो गया, जिसके कारण योहाओ को कपड़े धोने का नौबत आ गया। वो सुन के वांग रिएक्ट करता है, ना बाबा तू जरूर कुछ छुपा रहा है, नहीं तो तेरा चेहरा क्यों लाल हो रहा है। योहाओ भी तभी फ्लैट करके कहने लगते हैं, मेरा फेस लाल हो रहे है क्योंकि एक ब्यूटीफुल पर्सन मुझे दबा रहा है। जो सुन के वांग लाल होके कहते हैं, शट अप, कौन तुझे प्रेस करना चाहते है, और वहां से जाने लगते हैं शर्मिंदा होके। तभी योहाओ सोचता है, थैंक गॉड जान छूटा। उसके बाद वांग बाहर आने लगती है और उसे कहता है, चलो तुम ठीक हो क्योंकि मैं बहुत टेंशन में था, कहीं फ्लेम डिमन तुम्हें हार्म ना कर दिया हो, बस जा। योहाओ मन में उसके लिए सॉरी फील करता है क्योंकि वो उस चीज को अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता है, आखिर लेक के वहाँ क्या हुआ। तभी वांग बहुत एम्प्रेस फील करता है क्योंकि उसे योहाओ के लिए फिक्रमंद हुआ, वो उसे जताना नहीं चाहता था। पर भाई टियानमिंग और बिंग कितना कमीना है यार, दोनों हंसने लगते हैं और एक दूसरे से बातें करता है, हमने तो सब देख लिया और हमें भी चिराते हैं काइंड ऑफ, क्योंकि ये बातें हमें भी छोरी पता नहीं चलेगा, वो रास उनके साथ ही चला गया। तभी योहाओ उसे सॉरी कहता है उसे इतना चिंता में डालने के लिए, जो सुन के वांग फिर से ऑकवर्ड होता है और कहता है, गधा ये सब बातें मत कर, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू। जहाँ उसे खुश करने के लिए योहाओ कहता है, चल खाना खाने चलते है। सो वांग जवाब देता है, ट्रीट तेरे तरफ से होगा। योहाओ कहता है श्योर, एंड उसके बाद पोसाइडन आइलैंड देखने को मिलता है, जहां हमें योहाओ के सामने वाला ओल्ड मैन को वाइन एंजॉय करता हुआ देखने को मिलता है और वो कहता है, योहाओ से जुड़ा हुआ थिंग सेटल हो गया, मुझे लगता नहीं ऐसा फिर से कभी होगा। एंड आगे कहता है, योहाओ के मदद से मां श्यावडाओ अभी डिमोनिक फ्लेम को कंटेन कर पाया और अभी रिजल्ट काफी अच्छा है, एंड अगर कुछ प्रॉब्लम ना हुआ तो वो रिटर्न होने में सक्षम होगा एज ए कैप्टन पोजिशन फॉर द बिग टूर्नामेंट। एंड इतने बातें कह के ओल्ड मैन स्वैग से वाइन पीता है एंड स्वैग से बोतल को साइड में रखते कहता है, चलो सिलेक्शन को स्टार्ट करते हैं कोर स्टूडेंट के साथ, क्योंकि अभी टाइम आ गया द नेक्स्ट सेवन स्टैक मॉन्स्टर टीम बनाने का। उसके बाद सीन चेंज होता है टीचर जो के क्लास में, जहाँ टीचर जो चिल्लाते हैं सबको अटेंशन देने कहता है, बिकॉज वो कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रही है। एंड द अनाउंसमेंट इज स्कूल सिलेक्शन टूर्नामेंट स्टार्ट कर रहा है कोर स्टूडेंट के लिए, जिसपे एक्चुअली 3 ईयर का रिक्वायरमेंट्स होते हैं, लेकिन स्कूल के तरफ से इस बार सेकेंड ईयर को भी सिलेक्ट किया जाएगा, यानी योहाओ का क्लास भी कंपटीशन में शामिल होंगे। एंड टीचर जो आगे कहती है, इस टूर्नामेंट में स्कूल के तरफ से 7 इंडिविजुअल स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। जो सुन के वांग कहता है, ऑफ कोर्स ग्रेट वांग डोंग तो उसमें सिलेक्ट होगा ही, और योहाओ सोचता है टीचर जो का टोन से तो वो सीरियस लग रही है। तभी टीचर जो कहती है, तो सेकेंड ईयर तुम सब टूर्नामेंट ज्वाइन कर रहे हो, एंड उन्हें कहता है इस टूर्नामेंट में हायर लेवल स्टूडेंट भी होंगे, सो ये अच्छा होगा अगर तुम खुद का बेस्ट देते हो। उसके बाद टीचर जो पर्सनली योहाओ को कहता है, डियानियान ने मुझे कहा बाकी पीपल सिलेक्ट हो या ना हो, लेकिन तुम्हें सिलेक्ट होना होगा और तुम्हें मास्ट टॉप 7 पे आना होगा, नहीं तो तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना होगा। जो सुन के योहाओ का
पसीना छूटने लगता है और कहता है, अरे यार टीचर जो तो मुझे धमका रहा है। टीचर जो का थ्रेट खा के युहाव बहुत कुछ सोचने लगता है और परेशान होकर कहता है, लेटली बहुत कुछ हुआ, मेरा एबिलिटी बाकियों के साथ प्रति नहीं हुआ, सो आज मुझे टीचर और बिग ब्रदर से सोल स्प्रिट वेपन फैकल्टी को लेकर डिस्कस करना होगा, जिससे मेरा स्प्रिट वेपन ग्रेड भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड ये बातें करके वो मोटिवेट फील करता है एंड अभी उसे प्रैक्टिस के साथ योहाओ को भी मदद करना है स्प्रिट बोन मार्च करने में एंड सोल स्प्रिट वेपन के मदद से उसे भी जल्दी ग्रोथ मिलेगा सोच के अभी इसे वो स्ट्रांग फील करता है। एंड उसके बाद वांग का सोल बोन के साथ कंसेंट्रेशन करते हुए देखने को मिलता है। चाहे योहाओ आते हैं तभी वांग का आंखें खुलता है और उससे पूछता है, ओए क्या कर रहा है। तभी योहाओ कहता है, तू इतना अनअवेयर क्यों है, मैं तुम्हारा पास आया तुम्हें मालूम भी नहीं हुआ, अगर मैं ना होके कोई और हुआ होता तो तुम्हें मार ही दिया होता। जो सुनके वांग गुस्सा होके कहता है, योहाओ तुम दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हो, मुझे तुम्हें लेसन देना होगा। तभी योहाओ कहता है, तो बोन फ्यूज का काम हो गया क्या। जहाँ वांग कहता है, डोंट वरी, ये स्प्रिट बोन मुझसे मैच होता है, सो ये बहुत आसानी से मुझसे जुड़ जाएगा, जिसके लिए मुझसे और वेट नहीं हो रहा है। जो सुन के योहाओ टियानमिंग से पूछता है, भाई वांग का स्प्रिट बोन में कोई गड़बड़ी है क्या। वो जवाब देता है, ना उसके लिए वो परफेक्ट मैच है। जहाँ योहाओ पूछता है, तो फिर मेरा फ्यूजन में इतना पेन क्यों हुआ। जहाँ टियानमिंग कहता है, इतना मत सोच, क्योंकि तेरे वाले को एक वाटरमेलन के तरह इमेजिन कर और जो तेरा नाक से अंदर जा रहा है तो पेन तो होगा ही। यार ब्रो ये टियानमिंग क्या ही एग्जाम्पल देता है यार, ये लौंडा बहुत ही बिगड़ा हुआ है। तभी वांग एक्साइटेड होके कहता है, चलो चलो कोर स्टूडेंट टूर्नामेंट से पहले पावर अप होते हैं। एंड आफ्टर दैट पूरे 3 घंटे के कल्टीवेशन के बाद वांग का फ्यूजन कंप्लीट होता है। तब तक योहाओ बिना पलके चुकाए उसके प्रोटेक्शन में लगे हुए थे। आफ्टर दैट वांग फ्लेक्स करने लगता है और योहाओ को कहता है, ये स्प्रिट बोन लाइट एट्रीब्यूट स्प्रिट एबिलिटीज में मदद कर रहा है एंड वही नहीं बल्कि स्प्रिट एनर्जी को भी रेप्लीनिश कर पा रहा है, जिसके कारण वो अमेजिंग कहता है, क्योंकि उसके चलते दोनों का स्ट्रेंथ भी रिकवर हो सकता है। वो देख के योहाओ भी कहता है, अमेजिंग, हमें यही तो चाहिए था। एंड उसके बाद सीन चेंज होता है टूर्नामेंट के वहां, जहां सारे टीचर्स इकट्ठा होता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली पियक्कर एल्डर, जो श्रेक एकेडमी एरिना में आके सारे स्टूडेंट को अटेंशन देने कहता है एंड बोलने लगता है, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान होगा, जो कि है एक मुफ्त का बैटल सबके लिए। उसके बाद एल्डर रूल बताने लगता है, कह के यहाँ पे कोई रूल अप्लाई नहीं होता, सब एक्सेप्टेड है डेडली अटैक तक, अगर कोई हार मान जाए या उसे बचाया जाए वो सीधा डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा एंड बैटल तब जगह रुकेगा जब एरिना में सिर्फ 7 ही स्टूडेंट मौजूद होगा। ये कह के एल्डर चिल्लाते हैं, मैं जब बिगेन कहूंगा टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा, आर यू अंडरस्टैंड। एल्डर का रूल सुन के सबके मन में बातें उठने लगता है, ऑल आउट बैटल ये सही होगा क्या वगैरह वगैरह। एंड उतने में योहाओ वांग को कहता है, जल्दी श्योश्यो के पास जाना होगा। वांग उस पे हामी भरता है एंड दूसरे तरफ डाया हुआ बिन उसके पलटन से कहता है, बदला लेने का एक सही मौका है। उतने में ब्रदर भाई योहाओ को देखकर कहता है, गुड लिटिल ब्रदर इस तरफ आ रहा है, नहीं तो मैं उन्हें ढूंढने ही निकल रहा था। और उतने में टूर्नामेंट शुरू होता है, जहां योहाओ के ऊपर एक अटैक आता है एंड उसे प्रोटेक्ट करने के लिए गेस व्हाट कौन आता है, नन अदर देन काइटो। वो टूट पड़ता है एंड चिल्लाता है, मेरे भाई को अटैक करने का हिम्मत कैसे हुआ। और फिर 7 जने को एक साथ देखने को मिलता है, यार दिस इज द बेस्ट पार्ट। एंड द 7 मॉन्स्टर इज योहाओ, वांग, श्योश्यो, काइटो, ब्रदर बे, सांची एंड जिंग नानन। और वो देखकर ब्रदर बे कहता है, चलो हम 7 जने एक साथ आ ही गया। तभी नानन कहता है, चलो फिर एक साथ आगे जाके विक्ट्री को हासिल करते हैं। तभी योहाओ कहता है, नो टेंशन, बाकी मुझ पे छोड़ दो। और वो उसका स्प्रिट आई डिटेक्शन पावर एक्टिव करता है, जो देख के वांग रिएक्ट करता है, लुक एट मी, सबको चुन चुन के मारूंगा बिना घायल हुए। तभी श्योश्यो रिएक्ट करता है, बहुत दिन बाद क्लास प्रेसिडेंट का स्प्रिट आई एक्सपीरियंस करने को मिला। तभी काइटो सोचता है, गुड ब्रदर, तुम्हारा पावर के साथ मेरा निशाना एक भी नहीं चुकेगा। एंड उसके बाद योहाओ का स्प्रिट आई देख के सांची कहता है, क्या ही गॉड लेवल पावर है, गॉड के आईज के तरह। एंड बे सोचता है, इसके साथ तो मैच में हमारा पल्ला भारी रहेगा। एंड आखिर में नानन उससे काफी इम्प्रेस होते हैं और सोचती है, ये योहाओ का स्प्रिट एबिलिटी है, ये बहुत ही अमेजिंग है। एंड उसके
बाद बेई एंड सांची का छोटा मोटा नोकझोंक चलते है पहले वाला पिल इंसिडेंट को लेकर, जो कि बहुत ही फनी था। तभी डाया हुआ बिन कहता है वो सारे यूनाइटेड हो गया, सो हमें पहले उन सीनियर को वहां से हटाना होगा फोर स्प्रिट रिंग के साथ। जिसके रिप्लाई में सभी कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो, नहीं तो हम खतरे में आ जाएंगे। एंड सभी एक साथ रेडी होता है, जो देख के श्याओ श्याओ कहती है हम ही सबका टारगेट बन गए है। एंड तभी ब्रदर बेबी लाइक 7 vs 14 साउंड इंटरेस्टिंग के आगे आके पावर एक्टिव करता है एंड सांची को लिटिल श्याओ श्याओ का ख्याल रखने कहता है। एंड पीछे से उसका ड्रैगन अपीयर होता है जिसे वो सबको मजाक चखाना चाहते हैं। उतने में सांची कहता है बेबे तू मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, सो तू जा यहाँ मैं संभाल लूंगा। तभी सांची का मीना मन में सोचता है श्याओ श्याओ के बहाने में ननन के साथ भी रह सकता हूँ, जहाँ ननन कहती है मेरे से दूर रह, मुझे प्रोटेक्शन का कोई जरूरत नहीं, मैं फ्रंट पे जा रही हूँ बेबे के साथ फाइट में उसका मदद करने के लिए। वो सुन के सांची रिएक्ट करता है तुम्हें क्यों जाना है, तुम यही रुको मेरे साथ। तभी वांग रिएक्ट करता है सीनियर उनका मूव शुरू कर दिया, बट हम पीछे नहीं रह सकते, सो हमें भी हमारा टीम वर्क योहाओ के स्ट्रेटेजी के साथ दिखाना है। और जहां ये एपिसोड खत्म होता है, जिसके लिए मैं आपसे अभी विदाई लेता हूँ, लेकिन मिलते हैं अगले एपिसोड में जो कि मुझे लगता है काफी अच्छा होने वाला है। बाय।